कर्नल अजय जी, अब आपसे कृषि फसलों के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे कि आज कृषि फसलों का बाजार रहना बाजार कैसा रह सकता है। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आपसे सरसों और सोयाबीन से। तो आज सरसों सोयाबीन में कैसा रुख देखने को मिल सकता है और आगे सरसों सोयाबीन में कितनी मंदी तेजी रह सकती है? देखिए, आपको याद होगा मार्केट टाइम्स टीवी पर सबसे पहले सोयाबीन के अंदर आवाज उठाने वाली हमारा शो था। हमने यही कहा था कि जिस प्रकार 5,000 के लेवल पर सोयाबीन के ऊपर परेशानियां थी, सरकार आयात ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर रही थी, इंपोर्ट की बात कर रहे थे डीओसी वगैरह, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये उचित नहीं है। और देखिए, किसानों ने हमारी बात सुनी, स्टॉकिस्ट ने हमारी बात सुनी, उस पर ध्यान दिया और कुछ सप्ताह में सोयाबीन और सरसों के अंदर बड़ी तेजी दर्ज हुई। लेकिन एक तेजी के बाद मंदी भी देखी गई। देखिए, तेजी और मंदी एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा से होगी। अब मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर आज तेजी की संभावना बनेगी, सरसों के अंदर भी धीरे धीरे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका प्रमुख वजह है, अब धीरे धीरे खपत की और खपत यानी डिमांड इसकी इंक्रीज होती जाएगी। शादियों का सीजन बिल्कुल सर पे है और लगातार शादियां हो रही हैं। लगभग 25 लाख शादियों का सेलिब्रेशन अगले 2 से 3 महीने में होगा। इसके अतिरिक्त सोयाबीन की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी भाड़ा है वो भी 3 से 4 गुना हो गया है। इसका सभी का असर तिलहन पर पड़ेगा और मुझे लगता है कि तिलहन के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज सोयाबीन और सरसों में तेजी देखी जा सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय ने बताया कि सोयाबीन और सरसों में तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन का जो इस्तेमाल है ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां पे कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका असर तिलहन फसलों पर पड़ता नजर आ सकता है। कर्नल अजय जी के मुताबिक, एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी के मुताबिक, सरसों और सोयाबीन में तेजी की संभावना अभी जारी रह सकती है।